आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के अध्यक्ष पद को लेकर संशय बरकरार है। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू को गुरुवार को दिल्ली बुलाया गया है। जी हां, दिल्ली में सिद्धू पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ साथ भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव के सी वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। वेणुगोपाल और हरीश रावत से सिद्धू की मुलाकात को उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिद्धू अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। सिद्धू ने पिछले महीने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में नियुक्तियों और कैबिनेट में फेरबदल से नाराज होकर ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया था। हालांकि कांग्रेस के द्वारा सिद्धू का इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। चन्नी और राज्य के कुछ नेता पंजाब कांग्रेस प्रमुख को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सिद्धू ने 2 अक्टूबर को एक ट्वीट करते हुए इशारों में कहा था कि गांधी जी और शास्त्री जी के सिद्धांतों को बनाए रखेंगे, पोस्ट या नो पोस्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खड़े होंगे। वहीं सिद्धू ने कहा कि सभी नकारात्मक ताकतों को मुझे हराने की कोशिश करने दें, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा के हर ओर से पंजाब को जीत मिलेगी। पंजाबियत की जीत होगी और हर पंजाबी की जीत होगी। सिद्धू ने इससे पहले पार्टी विधायकों और नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक ढांचे को लेकर बैठक किया था और विचार विमर्श भी किया था। अब तक बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।